करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला के ऊटपुर स्कूल में 3 छात्राओं के चेहरे पर एसिड फेंकने वाले मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर छात्राओं के बयान कलमबद्ध किए हैं। मामले को लेकर तीनों पीड़ित छात्राओं के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बाद ही आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP अर्जित सेन के अनुसार ऊटपुर स्कूल में एसिड फेंकने के बाद की घटना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर ही पड़ताल की थी और मामले को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि दोबारा से ऐसी घटना न हो। हमीरपुर जिला के ऊटपुर स्कूल में 3 छात्राओं के चेहरे पर एसिड फेंकने वाले मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर छात्राओं के बयान कलमबद्ध किए हैं। मामले को लेकर तीनों पीड़ित छात्राओं के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बाद ही आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP अर्जित सेन के अनुसार ऊटपुर स्कूल में एसिड फेंकने के बाद की घटना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर ही पड़ताल की थी और मामले को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। गौरतलब है कि टोनी देवी तहसील के तहत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊटपुर में शनिवार करीब 3 बजे एक छात्र ने 10वीं कक्षा की 3 लड़कियों पर एसिड फेंक दिया था। इससे एक लड़की के चेहरे पर आंखों के नीचे निशान पड़ गया। घटना के बाद आरोपी छात्र स्कूल से भाग गया। ऊटपुर स्कूल के 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान ये घटना हुई, जिसके बाद पीड़ित छात्राओं को PHC ऊटपुर में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों छात्राओं को घर भेज दिया गया। SP अर्जित सेन ने बताया कि अभी इस मामले में छानबीन चली हुई है और अलग अलग बयान मामले में सामने आ रहे हैं, जिस कारण पुलिस भी पहलुओं पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि अभी छात्राओं के 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद ही आरोपी छात्र पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एसिड के सैंपलों की जांच भी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी छात्र नाबालिग है, इसलिए जुवेनाइल एक्ट को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। प्रैक्टिकल चले हुए थे स्कूल में, जिसमें लड़कियों का प्रैक्टिकल पहले और लड़कों का प्रैक्टिकल बाद में हो रहा था। उसी दौरान, क्योंकि हमारे पास अलग अलग बयान हैं, इसलिए उसी दौरान ये कहना अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, पर ये ज़रूर हुआ है कि ये एसिड जो डाइल्यूटेड पानी मिला हुआ होता है, जिसको स्कूल में अक्सर यूज़ करते हैं टाइट्रेशन या इस तरह के काम कर, मतलब एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो हालांकि हानिकारक नहीं होता, एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, क्योंकि उसकी डाइल्यूट एसिड की मात्रा उसमें बहुत कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। पर फिर भी पुलिस ने जो सैंपल हमारे पास उस स्कूल में पड़े थे एसिड के, वो हमने कब्जे में लिए हैं और जो टेस्टिंग पेपर्स होते हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं, जिनका हम एक जांच करवाएंगे कि इसमें कितना एसिड था और उसमें क्या 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 बाकी अन्य क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी। अभी हमने जो पीड़िता लड़कियाँ हैं उनका भी बयान नोट किया, लिख लिया है। 164 का बयान हम आज करवाएंगे उनका। उसके अलावा जो हमारे लैब में असिस्टेंट थी और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन थी स्कूल की, उनके साथ भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नहीं हो पाया कि ये एग्जैक्टली किसी ने इंटेंशनली फेंका या कोई शरारत थी, पर ये फिर भी एक गंभीर समस्या ज़रूर है। हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम एक बार जब इनिशिएट कर लेंगे, जब इन जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका बयान ले लेंगे और उनकी 164 का बयान कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। हम इसको खुद सुपरवाइज कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जल्दी ही कुछ ना कुछ कंक्लूसिव निकलेगा।